हेलो फ्रेंड्स, दीपाक्षी शर्मा के साथ मैं हूं कविता सिंह। चलिए बात करते हैं छोटे पर्दे की टॉप 5 खबरों की। इश्कबाज सीरियल में नकुल मेहता और सुरभि चंदना मुख्य भूमिका में थे, लेकिन अब जनरेशन गैप के बाद नकुल मेहता के साथ मंजरी पुपाला नजर आ रही हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आने लगी थी कि मंजरी पुपाला को इस सीरियल में रिप्लेस किया जा रहा है। खैर, ये बात तो सच नहीं निकली। एक करीबी सूत्र ने पिंकविला को बताया कि निर्माता निश्चित रूप से दूसरे चेहरे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन मंजरी को बदलने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे लीड के रूप में किसी को कास्ट करने के लिए। वहीं बिग बॉस 12 ऑनलाइन टीआरपी में टॉप पर पहुंच गया है। हालांकि अब ये शो खत्म हो चुका है, लेकिन ये एक टॉप नोट पर बंद हुआ था। इस शो की विजेता दीपिका कक्कर बनी थी। वही शो के रनरअप का ताज श्रीशंत को मिला था। इन दिनों शो के प्रतिभागी अपने परिवार वालों और करीबियों के साथ वक्त गुजारते नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे दृष्टि धामी की। जी हाँ, सिलसिला बदलते रिश्ते का फेम दृष्टि धामी अक्सर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। दृष्टि धामी ने हाल ही में अपनी बचपन की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। तस्वीर में वो अपने भाई के साथ बैठी हुई नजर आ रही हैं। दोनों ही काफी क्यूट लग रहे हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए दृष्टि धामी ने अपने भाई को बर्थडे विश किया था। तो आशिकी सीरियल फेम जन्नत जुबैर रहमानी ने किस सीन करने से मना कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि उनके आगे कोई सुपरस्टार भी हो, तब भी वो ये काम नहीं करेंगी। साथ ही अपने नए किरदार के बारे में भी उन्होंने कई सारी बातचीत की। उन्होंने बताया कि सीरियल आपके आ जाने में वो पंक्ति का किरदार निभा रही हैं। अपने किरदार की उन्होंने काफी तारीफें की और साथ में ये भी बताया कि बागी पहले के किरदार से वो कितना कुछ अलग है। और अब बात करेंगे गुलाम सीरियल फेम विकास मनकतला की। विकास मनकतला अब झांसी के रानी शो में नजर आएंगे। गंगाधर राव न्यालकर का किरदार वो शो में निभाएंगे। शो में वो रानी लक्ष्मीबाई के पति का अभिनय करते हुए आप सभी को दिखाई देंगे। वहीं अनुष्का सेन लक्ष्मीबाई का रोल निभाती हुई नजर आएंगी। एक इंटरव्यू के दौरान अनुष्का सेन ने कहा कि झांसी की रानी हमारे देश के इतिहास में ऐसा नाम है जिनके जैसा बनना हर लड़की का लक्ष्य होता है। वेल, ये तो थी आज की टॉप 5 खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।